आज हम करने वाले हैं शूट गणेश चतुर्थी के लिए। भाभी गई फॉर्म में मानने के लिए, ब्लॉग में कह दो गई है। देखो तो इधर शॉर्टी शॉर्टी दिखती। माला जाओ दे। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से यही लोकेशन में और अभी भाभी का भी हेयर स्टाइल चल रहा है। आज हम करने वाले हैं शूट गणेश चतुर्थी के लिए। इधर भागते भागते आ गई जैसे व्लॉग स्टार्ट हुआ। भाग रहे हेलो और मेरा हाइड्रा फेशियल का ग्लो देख लो। आज मतलब अगले दिन ज्यादा रिजल्ट दिखाता है। बोल रही थी ना ये देखो हट रहे दिखा दिख रहा है फर्क। तो गाइज आप भी देख सकते हैं ग्लो अलग दिख रहा है ना। एक दिन बाद ज्यादा अच्छा दिखता है। अभी दो तीन दिन बाद और देखना ज्यादा ग्लो करेगा क्योंकि पिछले टाइम भी ऐसे हुआ था। और आज हम लोग ट्रांजिशन वीडियो नहीं क्या बोलते हैं गणेश चतुर्थी के लिए शूट करने वाले हैं। तो भाभी और मैं रेडी हो रहे हैं। भाभी का भी चल रहा है हेयर स्टाइल, पता नहीं कब तक चलेगा। हम लोग ट्रांजिशन के लिए सॉन्ग ढूंढ रहे हैं बट सॉन्ग एक भी मिल नहीं पा रहा है ढंग का। हमको अभी ट्रेंडिंग में आया नहीं है ना वो, तो ज्यादा ढूंढ मिल नहीं रहा है। तो हम लोग अब खुद चल पड़ा एग्जाम है तेरा भाग यहाँ से। आज वो है ना पोला, तो आज सभी को पोला की हैप्पी बोल रही हूँ। भाभी गई फॉर्म में मानने के लिए, ब्लॉग में कह दो गई है। कब से देख रही थी लायरा को अभी डांट पड़ने वाली, अभी उसकी एग्जाम चल रही है। इधर देखो तो गाइज आप सभी को पोला की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साइड में आप लोग तीजा पोरा बोलते हैं ना, लेकिन वो ऐसे पोला लिखाता है, पोरा बोलते हैं बट पोला लिखाता है। आपके साइड क्या बोलते हैं प्लीज कमेंट में बताइएगा। चलो अभी रेडी होते हैं। सो दोस्तों भाभी का हेयर स्टाइल होते तक मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना खुद का थोड़ा बहुत मेकअप कर लूँ, नहीं तो टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो मैं आ गई हूँ मेकअप रूम पे, जो मैं ऑलरेडी आपको पहले वीडियोस में दिखा चुकी हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और यहाँ का टूर नहीं देखे हैं आप हमारे सैलून का, तो प्लीज़ आप पहले वीडियो में जाके चेक कर लेना। वहाँ आपको पूरा यहाँ का टूर दिखाई हूँ मैं, वो आपको पता चल जाएगा कहाँ क्या क्या है और कैसा है, बहुत ही सुंदर बना है। तो अगर आप लोग नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देखना। अब यहाँ हम सामान ढूंढते हैं कि कौन सा सामान कहाँ है। वाओ नाइस बैकग्राउंड अच्छा आ रहा है। भाभी इसमें लॉक लगा है, लॉक है। ओके गाइस तो चाबी मिल गई है और सामान भी मिल गया है। अब देखते हैं, फर्स्ट टाइम मैं खुद से ऐसे ही करने वाला, ज़्यादा नहीं करूँगी, बस थोड़ा थोड़ा अपने डार्क सर्कल्स को छुपाऊंगी और पिंपल्स को छुपाऊंगी। बस पहले सबसे पहले बाल बांध देते हैं। इसमें तो इतने सारे सामान है देखने में, दिखा रही हूँ इसमें से ढूंढूंगी कैसे मैं भाभी। इसमें देखते पहले तो ये मॉइस्चराइजर दिख रहा है मेरे को, मॉइस्चराइजिंग क्रीम शायद यही पहले लगाते हैं ना, नहीं पहले प्राइमर लगाती है भाभी। सेकंड प्राइमर देखते हैं, ये है प्राइमर गाइस। बाकी ना इस कपड़े पे मेरा फेस थोड़ा डल डल दिख रहा है, ये मैं पिछली टाइम पहनी थी ना तब भी मेरे को ये एक्सपीरियंस हुआ था। सबसे पहले हम चलो प्राइमर ही लगा लेते हैं, ट्राई करते हैं, जो होगा भगवान भर से होगा। पता तो चला पिंपल निकल गया और कल ही हाइड्रा फेशियल करवाई हूँ। नहीं होगा, मेरे पीछे बहुत बड़ा सा मिरर है तो पहली बार इतने बड़े मिरर में रेडियो होने में मज़ा आया मेरे को। नाइस अगर मैं कुछ गलत कर रही होंगी ना तो प्लीज़, अगर कोई मेकअप वाले होंगे तो मेरे को जज नहीं करना, मेरे को नहीं आता, मैं बस ऐसी नॉर्मल वाली हूँ। मॉइस्चराइजिंग क्रीम भाभी का सी प्रोडक्ट भी दिखा देती हूँ आपको। भाभी ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज़ करती है। वाह इसमें दो ये था, मैं ऐसे क्लिक वो कर रही थी। पता है ऑयली स्किन वालों का एक बेनिफिट होता है कि स्किन अपने आप ग्लो दिखता है, लेकिन बहुत सारे डिसएडवांटेज भी रहते हैं कि इतने सारे पिंपल। और जैसे थोड़ा सा बाहर अगर मैं बिना मास्क के या फिर बिना स्कार्फ के निकल जाऊँगी ना, पूरे मेरे फेस पे डस्ट आ जाता है, तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारे ऑयली स्किन का। बाकी तो ग्लो ऑटोमेटिक दिखता है। फाउंडेशन अप्लाई करते हैं, फाउंडेशन ये मैजिक का है कुछ, ये तो बहुत ही बढ़िया है। पता है ये हर टोन में मिक्स हो जाता है और बहुत ही अच्छे से ये ब्लेंड होके ग्लो वाला फ्लेस देता है। देखना मैं आपको डिफरेंस। अच्छा पहले मेरे को ये पिंपल को छुपाने के लिए वो चाहिए। चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसे कर लेती हूँ। मेरे को ना एक छोटा मिरर भी चाहिए था पास के लिए। मेन इस एरिया पे ही ज़्यादा लगाती हूँ मैं, ताकि जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स है वो मिल जाए, बाकी तो ऐसे नहीं लगता है।
ओके तो शायद अब अच्छे से ब्लेंड हो चुका है मेरे पूरे फेस पे वो फाउंडेशन। और आप देखो वो जब फाउंडेशन निकाली थी बहुत वाइट था ना, आप लोगों को लगा होगा कि बाप रे ये बहुत ज़्यादा ओवर टेक का उसका वो आ जाएगा, बट ये देखो पूरा ब्लेंड हो गया ऑटोमेटिक, ये अपने स्किन पे ब्लेंड हो जाता है तो ये बहुत अच्छा लगता है। ये मेरे पास भी है, ये सेम ये है कलर स्क्रीन का, बहुत मस्त है। फिर मेरे को ये वाला दिख रहा है पास में, मेरे पास जो दिखेगा मैं वो लगाऊंगी। इससे कर ही लेते हैं, दिख रहा है कैसे? ओके गाइज वेट गाइज, हम आते हैं अपना ये आधी अधूरी में छोड़ के प्रीशा को लेके आते हैं। जाना प्रीशा को यहीं लेके आना, रुको गाइज आ रही हूँ एक सेकंड में। बाकी सो गाइज हम आ चुके हैं, अब ये बच्ची पार्टी भी हमारे पास रहेगी। क्यों प्रीशा, प्रीशा भी मेकअप करेगी ना, है ना, बोलो। तो अब इसके बाद का स्टेप क्या, ये भी मैडम जो लायरा है हमारे लिए पूरा लाइट ऑन करके रखी है यहाँ पे, अब थोड़ा ज्यादा ग्लो आया है। अब बचा है हमारा मस्कारा वगैरह। मस्कारा मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं था लगाना, ना मैं लगाती थी, बट ना ये जब से विभा मेरे को सिखाई है ना करवाना, आप ये करो पहले वो उसके में ऐसे ऐसे वाला पिंकू पिंकू वाला, सो ये लगाते हैं। नहीं पता मुझे, क्योंकि मेरे को मेकअप पसंद नहीं है, ये बहुत बकवास बकवास सा चीज़ है। क्या हो यहाँ लग गया। अब मैं भाभी को बुलाती हूँ और थोड़ा बहुत जो सुधार है वो भाभी करेगी, क्योंकि मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है ये, बहुत बहुत लाइट दिख रहा है मेरे को। क्या हो गया, चोट लगी उस? अच्छा भाभी का भी बेचारी का आधा अधूरा में छूटा हुआ है। मेरा मेकअप ठीक है ना, इतना लाइट है तो कुछ लगा ही नहीं है। थोड़ी गोरी, कपड़े से ही कलर खिलता है, ये वाले कपड़े में मैं बहुत डल डल दिख रही थी। अभी चलो गाइस अभी चूड़ी पहनती हूँ, जाओ। सो दोस्तों मैं हो चुकी हूँ रेडी, बट मेरे को ये बहुत बड़ा दिख रहा है तो मैं अभी छोटा वाला पूछी हूँ, अगर छोटा होगा तो फिर वो लगाऊंगी, ये मेरे को मजा नहीं दे रहा। बाकी मैं रेडी पूरा लुक दिखाती हूँ आपको गाइस, एक सेकेंड। पूरा लुक तो नहीं दिखेगा सिर्फ इतना, बीच में जाके खड़ी हो जाती हूँ, मैं भी ऐसे मॉडल बन गई। अब बनाएंगे रील, इतने टाइम बाद भूख लग गई। अब तो मेरे को भाभी का भी, भाभी भी रेडी हो गई है, बस उनका हेयर स्टाइल बचा है, उसी में ही ज़्यादा लेट हो रहा है उनका, बाकी सब हो गया है। उसके बाद हम खिंचाएंगे फोटोज़, उसके बाद कुछ खाएंगे, और आज हमको गणेश सेलेक्ट भी करने जाना था घर के लिए, तो देखते हैं कितने बजे जाएंगे। मैं तो भाभी को बोल रही हूँ ऐसे चलते हैं। भाभी हाँ, एक साथ दोनों एक दूसरे को बुलाए, बोलो। मैं भाभी को चैलेंज दे रही हूँ कि ऐसे ही जाएंगी भाभी और गणेश देखने। टूट गया वो, ये इसका निचला, अच्छा ये पहले से ही टूटा है, ये ज्यादा बड़ा दिख रहा है करके छोटा वाला मांगे। आप बताओ ऐसे जाओगे आप? जा सकते हैं। हाँ ये थोड़ा अच्छा, नीचे जाऊंगी तो नीचे आ रहे हंसेंगे। ये ज्यादा बेटर दिख रहा है, मैं तब तक अपना बना लूँ क्या वहाँ वीडियो। मैं करती हूँ यहीं शूट, पहले लाइट्स वगैरह ऑन कर लेती हूँ थोड़ा सा, ताकि हमारा चेहरा चमके। वाओ, और जलाते हैं, अब जला ना, इधर से भी लाइट जलाती हूँ। लोकेशन देखती हूँ मैं, क्योंकि बीच में मतलब एक ट्रांजिशन वीडियो करना था मेरे को, तो वो करेंगे। अच्छे दिख रहे यार मैं, लेकिन हाय 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 लाइट जला ना, अब सारा लाइट जलाती हूँ। सी और ये साड़ी भाभी पहनाई है मेरे को, ये वाइट लेगिंग्स पहन ली थी मैं अंदर में, तो ये दिख रहा है, तो मुझे ऐसे थोड़ा सा छुपाना पड़ेगा। और मेकअप थोड़ा मतलब जो मैं की थी वही है, बस थोड़ा सा ब्लश भाभी एक्स्ट्रा लगाई तो वो ज़्यादा एनहेंस हो रहा है मेरा मेकअप अब, अच्छा थी मतलब लाइक उतना ज़्यादा नहीं किया है,
थोड़ा थोड़ा किए हैं बट वो अच्छा दिख रहा है। धूप है अच्छी तो धूप में भी थोड़ा सा फोटो खिंचा लेते हैं करके। बाप रे बाप रे, धूप धूप तो बड़ा तेज है। हाँ तो बादल देखो, बादल वाह 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 वाह। तो वाले नहीं, देखो तो इधर दिखती माला जाओ दे। एक फोटो खिंचाने के लिए कष्ट यार, बादल कितना सही दिख रहा है, मस्त। दोस्तों यहाँ से मैं अपना घर दिखाऊं, वो देखो जो वहाँ पे टंकी दिख रहा है वो वाला, ये जो टंकी है ना वो मेरा घर है, ग्रीन कलर वाला। ज़्यादा धूप में मैं नहीं जा रही हूँ, हाइड्रा फेशियल करवाई हूँ, कोई मतलब का नहीं होगा फिर, और पता चला टैनिंग आ गया इसलिए मैं धूप से थोड़ा बच के। यहाँ पे भी अच्छा आ रहा है, वाह नाइस यार। लाइक देखो मेकअप नहीं किया तब भी एक अलग, मतलब ज्वेलरी और ये ड्रेस से ही कितना डिफरेंस आ जाता है। देखो लाइक पहले भी मेकअप उतना ही था जब वो वाला ड्रेस पहनी थी, तो अभी भी उतना ही है, बट लिपस्टिक और ये इससे देखो कितना फ़र्क आ गया। वेरी नाइस। फोटो शूट अभी चल ही रहा है, थक चुका है या फिर भी आपको भूख नहीं लग रहा है यार? लग रहा है ना, खाने जाएंगे ना खाना खाने जाएंगे घर, मेरे को लगा बाहर खाने जाएंगे। ये ऐसे नहीं अच्छा लगा, मूड बन गया था हमारा कि हम तैयार नहीं होएंगे। हाँ बहुत, एक तो कस्टमर आ गए थे तो फिर हम लोग आधा बीच में गए थे, ये बार बार इंसान दिखना भी चाहिए, अपना दिख रहा है दूसरे का कोई मतलब काम दिल के लिए ऐसे करो, मेरा नेल्स ऐसे लड़की लोग का रहता है चुतरी वाली थोड़ा सा। तो आप लड़की नहीं हो तो लड़की लोग का बोली तो हम भी तो लड़की में आते हैं। 3 days later सो गाइज, ये है गणेश चतुर्थी के दिन का। मैं बाहर थी ना तो फिर मैंने लायरा को बोला था कि थोड़ा बहुत वीडियो रिकॉर्ड कर दे मेरे लिए, तो भाभी और लायरा रिकॉर्ड किए थे मेरे लिए थोड़ा सा, और मैं बहुत ज़्यादा मिस की ये दिन को। मतलब मेरे को बहुत था कि मैं फर्स्ट दिन पे रहूं घर पे, बट क्या करूं मैं कहीं बाहर चली गई थी, बट वेलकम बहुत अच्छे से हुआ था, आप वीडियो पे देख सकते हैं। पूजा वगैरह भी बहुत अच्छे से किए थे, और लायरा बेचारी जितना उसे हो पाया उतना वो वीडियो बनाई थी पूजा वगैरह का। एंड आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी, मे गॉड ब्लेस एवरीवन, एंड आप सभी बहुत ही अच्छे से गणेश चतुर्थी मनाएं। एंड अभी तो गणेश चतुर्थी का सीरीज चलता रहेगा जब तक कि गणेश जी हमारे घर पे हैं। सो मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो के साथ, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड हैप्पी गणेश चतुर्थी।